200 यूनिट बिजली से जिसके पास नौकरी नहीं है उसको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा 3000 रूपए। कोई भी बोल दे मैं वोट दे दूंगी, ऐसे थोड़ी होता है। आप इनके लिए पता करो बीजेपी क्या कह रही है, क्या कह रही है। वीडियो देख रहे हैं आप, ये कर्नाटक के बेलगावी की बताई जा रही है, जहां चुनावी प्रचार के दौरान प्रियंका गांधी एक चाय की दुकान चलाने वाली महिला के घर पहुंची थी, जिसे खूब पसंद किया जा रहा है। 200 यूनिट बिजली फ्री, 10 किलो चावल, और अगर आप ग्रेजुएट है, तुम्हारी नौकरी है, जिसके पास नौकरी नहीं है उसको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा 3000 रूपए, और जिसका डिप्लोमा अगर ग्रेजुएट है, अगर डिप्लोमा है तो 550 ना मिलेगा, ठीक है। तो ये प्लान है हमारा, कांग्रेस नेता राहुल गांधी की जब से संसद सदस्यता गई है तब से ये चर्चा चल रही है कि क्या आने वाले दिनों में उनकी बहन प्रियंका गांधी को कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। खैर ऐसी चर्चा क्यों? ये सवाल करने पर आपको ये वीडियो देखना चाहिए। कोई भी बोल दे मैं वोट दे दूंगी, ऐसे थोड़ी होता है। आप इनके लिए पता करो बीजेपी क्या कह रही है, क्या कह रही है, फिर आप पता करो कांग्रेस क्या कह रही है, फिर आप पता करो दूसरी पार्टी, मौसम को सारा दिखाना है, इनको समझाओ ये पार्टी ने ये कहा, ये पार्टी ने, फिर इनसे पूछो, इनको सिखाओगे कि अब इतनी महंगाई हुई है, हाँ इतने समय से महंगाई है, इसमें तीनों कर्नाटक में कुछ दिनों में चुनाव होने वाले हैं। यह कांग्रेस जेडीएस और बीजेपी के बीच फाइट है। हालांकि कांग्रेस और बीजेपी के ही बीच ये लड़ाई सबसे बड़ी मानी जा रही है। इस बीच कर्नाटक में प्रियंका चुनाव प्रचार में शामिल हो रही हैं, महिलाओं के मुद्दे उठा रही हैं और महिला सशक्तिकरण की बातें कर रही हैं। इसी बीच वो एक चाय की दुकान चलाने वाली बुजुर्ग महिला के घर पहुंची, जहां उन पर पूरा हक जताते हुए, डांटते हुए, समझाते हुए वोट किसे कैसे करना है समझाया। उन्हें कांग्रेस के वादे भी गिनाए और उनसे कहा कि चुनाव के बाद दोनों साथ में फ्री बस वाली सुविधा से श्रृंगेरी दर्शन के लिए चलेंगे। जब कांग्रेस की सरकार आएगी मुझे बस में ले जाना है, फ्री बस में, फ्री लेडीज के लिए फ्री, सब महिलाओं को फ्री जाएंगे, ये लोग नोट श्रृंगेरी कितनी दूर है, श्रृंगेरी 350। बहरहाल प्रियंका का यही अंदाज उन्हें बाकियों से अलग करता है। वो दूसरी पार्टी की बुराई में नहीं लगती बल्कि अपने पार्टी के काम को बताती है, वो मुद्दों की बात करती है और जनता खासकर की महिलाओं के दिल से जुड़ने में कामयाब हो पाती है। इसलिए शायद कांग्रेस में एक धारा है जो ये चाहता है कि आने वाले दिनों में प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री पद की दावेदारी भी करें। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।